कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हमीरपुर जिला में करोड़ों रुपए से बनने वाले स्पाइस पार्क को सांसद के द्वारा रोका जा रहा है। वहीं शिमला का रीजनल पासपोर्ट कार्यालय और आईटीएफटी आईआईएफटी सहित कई करोड़ों के विकास कांग्रेस के समय में स्वीकृत हुए थे और केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा के द्वारा दिए गए थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से सत्ता में आई है, 100 दिन का जो उन्होंने अपने लिए रोड मैप तैयार किया था, हमारा कहना है कि 100 दिन में 100 अपराध हुए हैं। 65 के करीब छेड़छाड़ की घटनाएं, बलात्कार की घटनाएं, छात्रों के साथ शिक्षा संस्थानों में बदसलूकी दर्ज की गई है, 35 के करीब हत्याएं हुई है। तो मकसद 100 दिन में 100 अपराध। जयराम सरकार को कानून व्यवस्था की और विशेष ध्यान देना चाहिए और पुलिस को जो कार्रवाई हो रही है, पुलिस के जो पुलिस अधिकारी हैं उनसे प्रत्येक सप्ताह उन्हें चर्चा करनी चाहिए। जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, कांग्रेस पार्टी ने 11 तारीख से धर्मशाला से कमर तोड़ महंगाई पथ यात्रा की शुरुआत की है, प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर शुरुआत की गई है और ये हमारा जो प्रोग्राम है, जो मोदी साहब के 4 साल पूरे होने जा रहे हैं, उन 4 साल पहले जो मोदी साहब ने वादे किए थे और जिन वादों को लेकर उन्होंने देश की जनता के सामने झूठ बोला था, उस संदर्भ में ये कार्यक्रम किए जा रहे हैं। और 26 मई को जिस दिन वो देश के प्रधानमंत्री बने थे, उस दिन प्रदेश कांग्रेस कमेटी, प्रत्येक ब्लॉक कांग्रेस कमेटी और हमारी विधानसभा क्षेत्र में 1.5 किलोमीटर से लेकर 2 किलोमीटर का मार्च करेगी और उस दिन हम 26 मई को महंगाई दिवस मनाएंगे कि मोदी साहब ने जो हमें हिमाचल प्रदेश और हिंदुस्तान की जनता को जो तोहफा दिया है, वो महंगाई का तोहफा दिया है जो 4 वर्ष पहले जब वो देश के प्रधानमंत्री बने थे। प्रदेश सरकार के 100 दिन के एजेंडे पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू ने चुटकी ली है। हमीरपुर में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान सुक्खू ने बीजेपी पर जमकर तंज कसे और कहा कि प्रदेश सरकार के 100 दिन के कार्यकाल के दौरान प्रदेश में 100 आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं, जिसका साफ प्रमाण है कि बीजेपी सरकार अनुभवहीन सरकार है। साथ ही सुक्खू ने एयरपोर्ट के सर्वे पर भी सवाल या निशान लगाए। पत्रकार वार्ता के दौरान विधायक राजेंद्र राणा, विधायक इंद्रदत्त लखनपार, पूर्व विधायक कुलदीप सिंह पठानिया, अनीता वर्मा, जिला अध्यक्ष नरेश ठाकुर भी मौजूद रहे। पत्रकार वार्ता करते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर निशाना साधा और कहा कि आज हर विधानसभा क्षेत्र में 4-4 मुख्यमंत्री बने बैठे हैं। जब से बीजेपी की सरकार आई है, कार्यकर्ता कहते हैं कि हम ही मुख्यमंत्री हैं। सुक्खू ने कहा कि मुख्यमंत्री पद की गरिमा होती है और कार्यकर्ताओं को इसका सम्मान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पद की गरिमा बनाई रहे, इसके लिए सीआईडी विभाग से भी जानकारी लेनी चाहिए कि किन किन विधानसभा क्षेत्रों में कितने कितने मुख्यमंत्री हैं। सुक्खू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी आरोप लगाया और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 4 साल में देश को महंगाई का तोहफा दिया है और अब जनता महंगाई से त्रस्त हो चुकी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बीजेपी के 4 साल पूरे होने पर 26 मई को हर ब्लॉक स्तर पर रोष प्रदर्शन करेगी और इस दिन 1.5 किलोमीटर पथ यात्रा कर रोष जताया जाएगा। उन्होंने कहा कि 26 मई को हिमाचल में महंगाई दिवस के तौर पर मनाया जाएगा, क्योंकि 4 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनकर जनता को महंगाई का तोहफा दिया था। सुक्खू ने एयरपोर्ट के सर्वे पर क्षेत्रवाद की राजनीति करने के आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा केवल मात्र मंडी जिला में सर्वेक्षण करवाना सही नहीं है। उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट के लिए सर्वे पूरे प्रदेश में होना चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री ने अपने गृह जिले में फोकस कर भाजपा के क्षेत्रवाद की सोच का परिणाम बताया। उन्होंने कहा कि सरकाघाट के बीजेपी विधायक कर्नल इंदर सिंह के द्वारा भी सर्वेक्षण पर उठाए जा रहे सवाल जायज हैं। बड़े अफसोस की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की टीम आई, उसका सर्वेक्षण सिर्फ मंडी जिले में ही करवाया। वो सिर्फ मंडी जिले के मुख्यमंत्री नहीं है, उन्हें पूरे हिमाचल प्रदेश का सर्वेक्षण करवाना चाहिए था। और जहां जगह अच्छी उपलब्ध होती है, वहां इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाना चाहिए था। तो पहली बार ऐसा देखा गया कि कहीं ना कहीं सरकार में दूरदर्शिता की कमी है। मैंने पहले ही कहा, मंत्री जी कुछ और स्टेटमेंट दे देते हैं और जो सरकाघाट के विधायक हैं, मुझे उनकी बात अच्छी लगी कि वो खुद रडार विंग में रहे हैं और 5 जगह जहां एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया सर्वे करके गई है
वहां अंतरराष्ट्रीय स्तर का एयरपोर्ट बन ही नहीं सकता। इसका मतलब जयराम सरकार प्रदेश में अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट नहीं बनाना चाहती और इस बात को लेकर बहाना बनाना चाहती है कि जो जगह चुनकर गई थी उन जगहों पर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट नहीं बन पाया, क्योंकि उन्हें मुझे लगता है कि दिल्ली से ऐसी दिशा निर्देश हो गए हैं कि आपने ये अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की जो मांग है उसको उन्होंने आपने ऐसी जनता के सामने उठाया, अब उस जो मुख्यमंत्री कह देते हैं उसको पूरा करने के लिए कोई ना कोई बहाना तो चाहिए। अगर वो सही में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाना चाहते हैं तो पूरे हिमाचल प्रदेश का सर्वेक्षण करवाते, जहां जगह मिलती वहां एयरपोर्ट बनाते।